दिखाने की कोशिश की थी कि मुल्क की मुश्किल हल करने के लिए मुल्क के लोग ही काम आएंगे, बाहर जाने से मसले हल नहीं होंगे। फैसल भाई, ही इज एन आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, ही इज एन आउटस्टैंडिंग टीचर, ही इज एन आउटस्टैंडिंग टीम प्लेयर। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। मैं तकरीबन एक साल से ज़्यादा अर्सा हो गया मुझे थेस्पियंस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। मेन वेल मुझे कई और जगहों से ऑफर्स आई लेकिन मैं नहीं गया। उसकी वजह यह है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, वो सारी खूबियाँ जो फैसल भाई में हैं और जो कुछ मुझे उनसे सीखने को मिलता है वो मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा। तो मैं इसलिए फैसल भाई के साथ हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ और ही इज़ अ वंडरफुल मैन। मुझे बताना पसंद करेगी या शम्मू साहिबा? आप तो परेशान ही रहो, 5 मिनट में बिजली वापस। मेरा नाम फैसल मलिक है और ये प्ले मैंने डायरेक्ट किया था ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। इस प्ले की बेसिकली ये प्ले फराज़ ज़ुबैर ने लिखा है। फराज़ हमारे लिए बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं और इस प्ले की थीम जो है वो 14 अगस्त के हवाले से थी और कराची के जो ख़राब हालात हैं उनके हवाले से थी। हमने कोशिश की थी कि कराची के लोगों को घरों से बाहर निकालें, वो जो लोग डर के और सहम के घर में बैठे हुए हैं। लिहाजा आज हमारी कोशिश जो है भरपूर तौर पर कामयाब हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी थेस्पियंस थिएटर के प्रोग्राम्स में आते रहेंगे और उसके मेंबर बन जाएंगे। नहीं भाजी, हाँ भाजी, क्यों मारा तुमने उसे? कुछ है भाजी, कुछ नहीं तो मारा है। कौन सा हाइड्रोजन बम मार दिया है इसको? खबरदार बेटे, नौकरों भी कोई, नौकरों का भी कोई हुकूमत होते हैं। ये भी अल्लाह अशरफ की मखलूकात हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। सुना? हाँ, बस ठीक है। कुछ इनसे जानता हूँ भाजी, जानता हूँ। अरे जानवरों के हुकूक मैंने भी पढ़े भाजी, लेकिन कुछ नायाब नस्लों की अभी तक हुकूक बातें नहीं हुए। My name is Alimki Khan and I was performing in the play as a Khurram role. असल में मेरा जो खुर्रम का रोल था वो ऐसा था कि हमने एज अ गेस्ट आता हूँ इस घर में, लेकिन इन वजह नौकर है अल्लाह देता, वो गेस्ट जैसी हालत नहीं छोड़ता। बेसिक जो था इस प्ले का वो ये था कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क की, सिचुएशन फिलर्स आ रहे हैं, स्ट्राइकिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, तो उनका डिप्रेशन लोगों का डाइवर्ट करने के लिए इन करप्शन से तो हम लोगों ने प्ले परफॉर्म किया। बाकी जो था मेरे जो करेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो ये था कि मैं अपने दोस्त को मुल्क से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए आता हूँ क्योंकि मेरा मुल्क बहुत अच्छा है और मैं उसको बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, अगर इसमें तुम खुद ही मुश्किल देखते हो तो तुम्हारा हल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको रोकता हूँ। और बाकी एक्सपीरियंस है थोड़ा सा पेट्रियोटिकनेस भी थी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा मजा आया। साथ तो माशाल्लाह से 2-3 साल से काम कर रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टिंग और कोरियोग्राफिंग, और हम इस ड्रामे को रिटायर वो रिटर्न जो किया है वो फराज़ ज़ुबैर ने, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इन्होंने पिछली दफ़ा आपने भी शायद कवर किया था बिजनेस प्लस वालों ने ओ माई प्रपोजल, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, उसका बहुत अच्छा अप्लॉज मिला था हमें। तो ये था ओवरऑल प्ले। And that has been very well taken. मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैसेज दिया गया है कि हर शख्स ये सोचना शुरू कर देता है इस मुल्क में कि यार इस मुल्क में हमें क्या दिया है, हम इस मुल्क के लिए यहाँ रहकर क्या करेंगे, ये सारी जो है ना नेगेटिविटी खत्म हो रही है। मैंने ये देखा कि यह दैट वॉज अ वंडरफुल ट्राई, ये मैसेज मिला है कि कम अज कम हम ये सोचना शुरू कर दें कि अगर इस मुल्क में हमें नहीं दिया है कुछ तो हम देना शुरू कर दें, हम पॉजिटिव होकर इस मुल्क के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, अगर हम अपनी एजुकेशन लेकर इस मुल्क की
तरक्की के लिए कुछ काम करना शुरू कर दें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। मैं ये नहीं समझता कि इस मुल्क में रहकर हम तरक्की नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस मुल्क में सारी चीज़ें हैं और इस प्ले के जरिए जो मैसेज कन्वे किया गया है, आई थिंक ये मैसेज शुड बी डिसमिनेटेड थ्रू आउट द कंट्री और सबको ये मिलना चाहिए कि भाई वी हैव टू वर्क पॉजिटिवली फॉर द कंट्री एंड फॉर द नेशन। ये हमें इस मुल्क कि ये समझें कि हमें जरूरत है, ये ना कि ये मुल्क हमें चाह रहा है, बल्कि इस मुल्क की हमें जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। हर वक्त अपने खुबूल वक्ते के गाने सुनने से मामले हल नहीं होते। ये अफसोस है भाव जी कि आपको जरा बराबर एहसास नहीं, तो कभी खुद कुछ बंद दिमागो की खबरें, तो कभी कत्लो गायब की फायरिंग। अरे मेरे तो जैसे तबर होके रह गया भाव जी, क्या बात करते हैं आप। जहां भी देखो तो रिश्वतखोरी का बाजार गरम है। अरे क्या 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 गिन रहा हूं मैं आपको भाव जी, क्या क्या गिन रहा हूं। और इन जालिमों ने दादा साहब के दरबार को भी नहीं बख्शा। दादा साहब, भाव जी दादा साहब कौन नहीं जानता दादा साहब के बारे में। कितनी कितने दिलों की आंसुएं पूरे होती हैं जी। आज का शो बहुत अच्छा था और एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं। मतलब आई रियली लाइक इट। मेरा बिल्कुल मुझे नहीं था कि ऐसा होगा कि इतना अच्छा उन्होंने कवर किया है कि आजकल हम जो बाहर जाने की बातें करते हैं कि जी बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो मुल्क का क्या होगा। और यंगस्टर्स का काफ़ी ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि उन्होंने ये दिखाया जितने भी लोग थिएटर में थे। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्ले। उनकी डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छी थी और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने उनको यहाँ पे मतलब ऐसे देखा है थिएटर प्ले में। मेरा पहला ये कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस था काफी अच्छी था डायरेक्शन। थैंक यू। हमने ये 14 अगस्त के लिए बनाया था और ये हमारे ड्रामे का नाम ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट है और इसमें मेरा किरदार नौकरानी का है। मेरा नाम शम्मू होता है इसमें। और हमने इसलिए ये बनाया कि हमारे पाकिस्तान में आप सबको पता है कि कितनी लोगों के हर तरफ से कहीं से तूफान आ रहा है, कहीं से लोग मर रहे हैं। एक बंदे की जान जाती है तो उस पर 100 लोगों की जानें ले ली जाती हैं, उसको दहशतगर्दी ही कहा जाता है। लेकिन हम लोग इतने परेशान हाल थे कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग थोड़ी सी कॉमेडी कर डाल के और मतलब उनको हंसाएं भी और उनको ये बताएं कि जो हमारे प्रेसिडेंट लोग हैं उनको हमारे पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जब वो नहीं सोचते तो हमारा मुल्क के जो लोग हैं जवान नस्ल है वो तंग आके वो दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कौन होता है छेड़ने वाला, घर का मालिक कौन है, मैं या वो? शो एक्चुअली बेस था यौम आज़ादी में भी और उसके अलावा बेस था मुल्क के मौजूदा हालात पे और इसको हमने अपनी तरफ से अपने अदाकारी से पूरा उतरने की इस पर कोशिश की है। बाकी मैं अगर अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो वो एक इलेक्ट्रिशियन था ना जो कि बहुत मुख्तसर था, लेकिन मुझे उसमें भी एक तंजो मज़ा दिखाना था जो कि मुझे लगता है कि दिखाया, क्योंकि जिसने हाजिर की पजीराई मिल रही थी मुझे उससे मैं भी इंजॉय कर रहा था और हाजिर भी। और एक्चुअली ये मेरा पहला जो है एक एक्ट है जो कि मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत खुद अतमादी से इसमें मैं पूरा उतरा। और बाकी फैजल मलिक जो डायरेक्टर हैं सर, उनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे भी मुझे उनके ऑफर्स पर एक्ट करूँगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम हामिद मलिक है और मैंने इस प्ले में अल्लाह देता भी करेक्टर अदा किया है जो एक कॉमिक करेक्टर था जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद किया, आप लोगों ने भी देखा। और इस प्ले का बेसिकली मकसद ये था जो आजकल हालात हैं इनमें से लोगों को निकाल कर जरा उनके चेहरों में मुस्कान लाई जाए, आजकल बहुत ट्रेजेडी चल रही है। और एक उसमें पाकिस्तान डे में था एक प्रोजेक्ट और इसमें जो सारी थीम थी पाकिस्तान के हवाले से थी, करंट इशू के हवाले से जो सब कुछ आजकल हो रहा है उनको ऐड करके ये बहुत कम टाइम में बनाया गया स्पेशली आज इन हालात के लिए। साहब जी
वो अलवाई से ना मेरी दोस्ती है और बहू जी की भी दोस्ती है। जब बहू जी में आ जाते तो वो दूध में जलेबी डाल के देता जाता है, बहू जी खाते जाते हैं। आज मुझे वो समोसों सन चटनी बना के देता गया, वो देता गया मैं खाता गया, वो देता गया मैं खाता गया। फैसल मलिक के साथ मैं लास्ट 3-4 ईयर से काम कर रहा हूँ और हर प्रोजेक्ट में होता ही हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, थस्मिन सेकर को बहुत अच्छा लेकर रन कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे ओवरऑल बहुत कूल माइंडेड हैं, अच्छा डायरेक्ट करते हैं। हम काफ़ी हद तक उनके प्रोजेक्ट में डायरेक्शन की हामी भर लेते हैं। जैसे सर ऐसे नहीं, ऐसे करें कोई डायरेक्टर पसंद नहीं करता कि दूसरा बंदा को मेरी डायरेक्शन में बोले, हम बोल लेते हैं ऐसे। बहुत अच्छे इंसान। बिजली और गैस की बढ़ती